नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंदीप गौतम और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। आज हम मौजूद हैं संत निरंकारी सत्संग भवन सेक्टर 30 में और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से पेंटिंग बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और इनको कुछ अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। इसी से रिलेटेड हम इनके इंचार्ज से बात करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ इन बच्चों को टॉपिक दिए गए हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम गीतिका है। गीतिका जी, इनको क्या कुछ बच्चों को टॉपिक दिए हैं जिन पे इन्होंने ड्राइंग बनाई है? जी, ये हमारा ड्राइंग कंपटीशन पिछले 7-8 साल से एक एनुअल फीचर है जो हर साल चला आ रहा है। तो इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बिल्ड करने के लिए, इनकल्केट करने के लिए उन्हें ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो टॉपिक्स का एक अच्छा मिक्स रहता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, यानी कि निरंकारी मिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनसे रिलेटेड उनको टॉपिक्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा एक सालाना एनुअल समागम होता है दिल्ली में, उसके बारे में टॉपिक दिया जाता है कि उस समागम के अंदर क्या क्या दर्शाया जाता है, कौन से वैल्यूज़ लोगों के। क्या टॉपिक दिए गए हैं जिसको बनाया? आज जो टॉपिक्स दिए हैं, आज भी दो तरह के टॉपिक्स हैं। एक कुछ करंट टॉपिक्स, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूरी तरीके से बैन करेंगे, तो हम बच्चों में, उनकी फैमिलीज़ में भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो एक उनको ये टॉपिक दिया है। दूसरा, जो इंडिया स्पेस के एरिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है उसके बारे में बच्चों को, इसरो ने जो चंद्रयान, जी इसरो की जो एक्टिविटीज़ है, जो चंद्रयान है, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के ऊपर एक इनको टॉपिक दिया गया है ताकि बच्चे करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें। और उसके अलावा निरंकारी मंडल की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, वो तो मैंने आपसे पहले बताया ही कि उसके बारे में है। उस पर क्या टॉपिक थे? उसके बारे में था जी, एक तो एनुअल समागम सीन था और दूसरा था एक्टिविटीज़ ऑफ निरंकारी मंडल, ताकि बच्चों को ये नॉलेज रहे, उन्हें ये पता चलता रहे कि मंडल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो सब कुछ रहता ही है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन बाल संगत के लिए, छोटे छोटे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए मंडल की क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। ऐसे प्रोग्राम मिशन के द्वारा कितनी बार कराए गए हैं और ये इसको कराने का मकसद क्या है? इसको करवाने का मकसद यही है कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन के द्वारा ये सारी वैल्यूज़ सीखें, उनके ऊपर एक सीरियस बर्डन ना डाल करके उनको एक ड्राइंग और अच्छे लाइट मूड में ये सारी वैल्यूज़ सिखाई जाएँ। आपने कई पेंटिंग्स देखी भी होंगी, बच्चों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है अपनी पेंटिंग के थ्रू। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किए, निरंकारी मिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो करंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बच्चों ने एक बहुत अच्छा मैसेज सब लोगों को देने की कोशिश की है। तो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी बाहर आती है और उनको अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं। मैंने ऑबे ट्रैफिक रूल्स पर बनाया है कि इस पर हम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं और हम इसे मानते नहीं है कि ये ट्रैफिक रूल्स हैं। मेरी सलाह है कि वो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए और इन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि ये ट्रैफिक रूल्स ना करें वरना उनकी डेथ हो सकती है। मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, ये आपने इसरो का जो एक स्पेसशिप है ये बनाया है, ये आपको थीम दी गई है? हाँ जी, यहाँ पे एक टॉपिक था इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने जो अभी रिसेंटली चंद्रयान मिशन 2 हुआ है, जो 90% सक्सेसफुल है, 95% सक्सेसफुल है, उसके ऊपर हमने ये पेंटिंग बनाई है। आपके नज़रिए में ये जो स्टेप लिया गया था हमारी इंडिया की तरफ से, ये कैसा स्टेप था? ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप्ड होती जा रही है तो उसमें साइंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है और ऐसे मिशन से हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। जैसे इंडिया ने 2008 में पहला चंद्रयान मिशन किया था और इसका अगला पार्ट चंद्रयान 2 जो अभी रिसेंटली हुआ था, जो 95% सक्सेसफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली जो लैंडर था उसके हमारे संपर्क टूट गया, बट कोई बात नहीं, हमने एटलीस्ट ट्राई करा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप भी आगे जाके हमारे भारत का फ्यूचर बनने वाले हैं, तो आपने क्या सोचा आगे जाके क्या बनेंगे? मैंने तो अभी आगे जाके फ़िलहाल तो कुछ नहीं सोचा है, पर मेरा जो सपना है वो है कि जैसे साइंटिस्ट, हमारे जैसे देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं भी अपनी कंट्री के लिए, कोई भी चाहे वो, पर अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर डॉक्टर हो या फिर साइंटिस्ट हो। जो हमारा संत निरंकारी मिशन है, ये शुरुआत से ही ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है
जो हमारे यूथ के लिए जो बच्चे हैं वो उन सबको अट्रैक्ट करें, पर इन सबका जो मेन मोटिव होता है वो निरंकारी मिशन की जो मेन शिक्षाएं होती है वही बताना होता है। जैसे ड्राइंग के जरिए कई बार टॉपिक दिए जाते हैं, क्लेनलीनेस ड्राइव, ये सब बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षा थी कि चाहे प्रदूषण अंदर का हो चाहे बाहर, दोनों ही हानिकारक होते हैं। आकृति जी, आपको पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज से बैन हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्लास्टिक जो हमारे एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा हार्म करती है, अगर प्लास्टिक होगी जो आजकल मतलब हर जगह पे प्लास्टिक फैल रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, जिससे मतलब पोल्यूशन कितना ही ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें हार्मफुल है ये चीज़। इसलिए मैंने यही टॉपिक लिया है कि सबको ये मैसेज मिल जाए कि प्रदूषण चाहे अंदर है चाहे बाहर है, दोनों ही हार्मफुल है। ये हमारे बाबा जी ने कहा था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, अगर बाहर का प्रदूषण ही नहीं हम खत्म करेंगे, हम अंदर का अपना कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले हमें बाहर का प्रदूषण खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लास्टिक का टॉपिक चूज किया। सुखमी जी, ये आप क्या बना रहे हैं? रोशन मीनार की फ़ोटो। रोशन मीनार ही क्यों? रोशन मीनार इसलिए क्योंकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें रोशन मीनार बनने का आदेश दिया कि हमें रोशन मीनार बनना है और जन जन तक इस ज्ञान की रोशनी फैलानी है। और कुछ बताइए इस रोशन मीनार के बारे में, सुनने में आया था इस ये जो आकृति है ये आपके मिशन के द्वारा भी बनाई गई थी, इसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को बारे में बताइए। इस आकृति में सदगुरु माता जी ने समालखा ग्राउंड में एक ह्यूमन फिगर में एक बहुत बड़ा रोशन मीनार की एक वो बनाई थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25,000 सेंट्स ने एक रोशन मीनार की आकृति बनाई थी, जिससे सदगुरु माता जी ये संदेश देना चाहते थे कि जैसे एक रोशन मीनार होता है वो जो समुंदर की जो शिप्स होती हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं कि यहाँ पे लैंड आप यहाँ पे आ सकते हैं, वैसे ही माता जी चाहते थे कि उनका हर एक संत हर एक गुरसिख रोशन मीनार की तरह हो कि वो मार्गदर्शन करे सबका। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।